Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. पर आज यहाँ हमारे टोटल धमाल होने वाला है. अच्छा, क्योंकि एक मूवी आ रही है टोटल धमाल. सो इससे जुड़े हर एक दिग्गज कलाकार जो हैं वो आज यहाँ पे आने वाले हैं. वाह. सो सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा हम सबके फेवरेट वर्सटाइल एक्टर, वन एंड ओनली सुपरस्टार मिस्टर अजय देवगन. हुनर का तपता लोहा अदाकारी का फौलाद है. वाह, जो तूफानों का रुख बदल दे अजय में वो बात. काल काल और कलयुग भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते. वो भक्त है महादेव का और कहता जय भोलेनाथ. वाह, गॉड ब्लेस. अरे ये सब आप सोचते कब हो? अरे मतलब मेरे दिमाग में कंप्यूटर फिट है गुरु. टिक 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 टक. और कहीं कोई हसीना आ जाए तो घोड़े की तरह दौड़ता है अरबी की तरह. थोड़े दिन के लिए मुझे दे दो भाड़े पे. अरे सर आपका बहुत बहुत स्वागत है. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे दोबारा मिलके. और जब भी अजय बाजी आते हैं, अच्छा ये हमारा ही शो है जिसमें पैदल चल के आते हैं, ये तो हमेशा दो घोड़े पे या गाड़ियों पे या हेलीकॉप्टर से. पर पाजी आप जब भी आते हैं चार चांद लग जाते हैं हमारे शो में. बहुत बहुत स्वागत है आपका. पाजी आप खुद तो नहीं लाए अपने साथ? अच्छा अजय पाजी, सीरियस फिल्मों में तो सीरियस किरदार करते ही करते हैं, ये कॉमेडी फिल्म में भी अलग अलग किरदार होते हैं. पाजी इस फिल्म में आपका किरदार क्या है? मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया मेरा किरदार क्या है. फिल्म खत्म हो गई है. पर एक बात है पाजी, मस्ती धमाल दबा के इस फिल्म में, मतलब इतना खूबसूरत ट्रेलर है. हमने सेट पे भी इतनी मस्ती और धमाल किया बिकॉज फिल्म इतनी ज्यादा फनी है जी. हम शूटिंग करते वक्त इतना हंस रहे थे, मुझे लगता है कि अगर उतना ही ऑडियंस भी हंसेगी तो जाहिर सी बात है हम कहीं जाके कामयाब हो जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल भाजी. अच्छा आप सब तो जानते ही हैं अजय सर की फिल्में गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3, गोलमाल 4, अब टोटल धमाल, मतलब माल ही माल. तो पाजी आप फिल्म की स्टोरी भी सुनते हैं सिर्फ माल ही देखते हो? नहीं ऐसे दिमाग में आया तो पूछ लेना चाहिए. यार जितनी स्टोरियां सुनी है वो चली नहीं है, इसलिए बिना स्टोरी सुने अगर कर लो तो चल जाती है. नहीं पर पाजी आप जो भी फिल्म करते हैं वो दिलों दिमाग पे छा जाती है. तेरे शो की स्टोरी क्या है? मेरे शो की हम भी पता करने में लगे हुए हैं. चल रहा है ना? चल रहा है, चल रहा है ना? दौड़ रहा है, दौड़ रहा है. लेकिन अजय सर ऑडियंस कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है, उनका ये कहना है कि अजय देवगन जो है वो खुद 100-150 करोड़ की फिल्म प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन जो टोटल धमाल में आप 50 करोड़ के लिए भाग रहे हैं और आप ही नहीं सारे भाग रहे हैं हमारे हिसाब से. धमाल में 10 करोड़ के पीछे भाग रहे थे जी. जब से अनिल माधुरी हम लोग आए हैं जी तो 50 करोड़ तक इंदू जी पहुंचे. ओके, ये मतलब डेवलपमेंट हो रही है? हो रही है. जैसे आपकी फिल्म रेड देखी पाजी, क्या बात, मतलब आप कमाल ही करते हो. पर सर एक बात, वही ऑडियंस के मन में सवाल था, जैसे गोलमाल धमाल जितनी भी फिल्में माल ही माल, ढेर सारा पैसा कमा रहे हो, खुद तो कमाते हो लेकिन दूसरा कोई कमाता तो आप जाके रेट डाल देते हो. आपको अच्छा नहीं लगता कोई दूसरा पैसा कमाए? नहीं ऑडियंस का सवाल था भाजी. छुट्टी भी कर रहा है ना? जी मैं आया बीच में, कमाने दे रहा हूँ ना तुझे. ये तो सही है, उल्टा आप जब आते हो तो मेरा एपिसोड और अच्छा बन जाता है, थोड़े मैं ज्यादा कमा लेता हूँ. यू वांट 10% कर 50 तो सिद्धू पाजी ले जाते हैं, 50 बाकी ले जाते हैं, मेरे पास क्या बचेगा. पाजी स्टार कास्ट के अलावा बहुत सारे जानवर हैं इस फिल्म में. अच्छा, सांप, बंदर, गेंडा. और पाजी हमने ये सुना है कि बंदर हॉलीवुड से आए, तो यहाँ के बंदरों में एक्सप्रेशन नहीं ठीक थे क्या? हैंगओवर फिल्म की थी उसका बंदर है वो. नहीं हम लोग यहाँ से बंदर ले रहे थे. अच्छा जी. तो पिक्चर में अनिल जी भी हैं. हाँ जी याद है, अनिल जी गए थे हॉलीवुड. जी जी बिल्कुल. तो उनको वहां से जब हम लोग लेके आए जी तो बड़ा अकेला महसूस कर रहे थे, तो हम लोगों ने बंदर को भी बुला लिया.
मैं आपको वैसे दिखा दूं बट लेकिन क्यूट बंदर बड़ा है। दिखा दो जरा पिक्चर तो दिखा दे एक बार अजय सर की। वो अच्छा हॉलीवुड वाले ना क्या मतलब देखो बंदर भी उनके कपड़े वपड़े पहन के कैसे रेडी रहते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ वाले नहीं पहनते वो। देखो अजय सर के जो कंधे पे है कितना वो ट्राउजर वाउजर पूरा पहना है उसने। तूने तो पहने। मैं हॉलीवुड वाले बंदरों को फॉलो कर रहा हूँ भाजी। ऐसे जनता का ही सवाल था कि आता माजी सटकली तो चलो फिल्म का डायलॉग है, रियल लाइफ में आपकी कब सटकती है? पहले बहुत ज्यादा सटकती थी, अब नहीं सटकती। अब लास्ट तब सटकी थी जब तूने अपना एपिसोड बंद कर दिया था एक करके। ओ पाजी आई लव यू। अब नहीं करेंगे पाजी, अब देख लो आप 2 महीने हो गए कोई रिपोर्ट सुनी आपने? ये बिल्कुल सही कहा। कई बार मुझे भी डिप्रेशन सा आ जाता था अंधेरा कमरा करके। लास्ट टाइम मैं इसको भूल के गया था। हाँ, जी 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 बिल्कुल। कि इतना टैलेंट है वेस्ट नहीं करना। बिल्कुल सही बात। और अब मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा कर रहा है तो हम फिर यहाँ पे। ये जो उनके साथ हुआ मेरे साथ भी हुआ। क्या? क्योंकि मैं यूज्ड टू हो गया हूं कि तू इतना हंसाता है, हिंदुस्तान हंसता है। और जब वो गैप आया ना जी, तो मैं भी अंधेरा कमरा करके मजनू की तरह वो गाना सुनता था। कौन सा? बजाओ भाई। पाजी आप जब ये गाना सुनते थे भाभी ने पूछा ना कि मैं तो इधर ही हूं, तुम किसके लिए गाने सुन रहे हो? अरे सर जब एक्शन करते हैं शेर के जैसे दहाड़ते हैं, जैसे आपका जो वो स्टेप सिंगम वाला, कितने बच्चे बड़ा करते फॉलो। भाई आपके बहुत सारे फैंस ही यहाँ पे हैं जिनको ये लगता है कि वो बड़ा अच्छा आपका ये स्टेप करते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई शेर जैसा अच्छा दहाड़ सकता है जस्ट फॉर फन, और साथ में आपने वो जेस्चर भी करना है सिंगम वाला, ठीक है? कौन है पहले करेगा? लो पहला कैंडिडेट देख लो शेर वाला। आ जाओ आ जाओ, माइक दे दो इनको। शरीर चूहे वाला और दहाड़ शेर वाली। वहीं पे बैठ बैठ कर दो। चलो माइक लेके। हाँ दहाड़ दहाड़। अच्छा ये दोनों हाथ से नहीं, एक से कर दो, एक हाथ में माइक है। दहाड़। वाह क्या बात है। नॉट बैड। मुझे लग रहा है ऐसे मजाक करेगा कुछ, पर सही निकाल दिया। वेरी नाइस। साथ में वो भी करना है। अच्छा एक हाथ से कर दो, एक हाथ में माइक है। अबे वहां से पसीना आएगा, आवाज नहीं आएगी। है पाव किलो का शेर लेकिन धाड़ता है। आप निकालो शेर के बाद। हो ना हो तेरा शेर ना सिगरेट बड़ी पीता है। पर अच्छा था, नाइस अटेम्प्ट। हाँ जी ये तो बाल भी शेर वाले लेके आया। अच्छा ये बंदा बड़ा देखो स्टाइलिश है। अजय पाजी देखो टैटू देखो, इसके स्टार भी बनाए हुए हैं। इधर इधर दिखाओ जरा, ये देखो बाल भी कलर है। वेरी नाइस। अभी तो ठीक है, जब हो जाओगे ना बुजुर्ग हो जाओगे, जब यहाँ पे वो आ जाती ना झुर्रियाँ, ये तुम्हारे जो तारे हैं ना ये वाले, ये ऐसे लीक हो गए ना छाती पे आ जाएंगे। वेरी गुड। शेर की आवाज निकालो। निकालो भाई। शेर वर्सेस सिंगम। पागल शेर है ये कोई। गाइस आप जानते हैं शेर नहीं। और सिंगम में एक बात कॉमन है। क्या? पूछिए क्या? क्या पूछ तो लिया। जब शेर आता है सबकी बजा के जाता है, बट जब सिंगम आता है नाम ही काफी यार सर का। क्या बात है। हाँ जी इनको माइक दे दीजिए। ऑल द बेस्ट। आपको बोलना कुछ, पैसे आए थे? अच्छा सर मैं सिंगम स्टाइल में शेर बकरी का शिकार कैसे करता है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। शेर बकरी का शिकार कैसे करता है? बकरी कौन है भाई? बकरी है। बकरी बन जाओ यार, एक कोई ऐसे बन जाओ बकरी बन जाओ, एक्ट में मजा आ जाएगा। ऐसे बकरी जा रही है और पीछे शेर आएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे यार इतना मौका, इतना अच्छा एक्टिंग करने पीछे है भी है। पूछ। हाँ पूछ भी है। बकरी बकरी। हाँ जोर से बोल। ध्यान से रहा, कोई डरो मत, तुम्हारा दूध नहीं निकालता कोई। बैठो। सर शिकार कैसे करते हैं? बोल। मैं बोलना। अबे बोल तो सही। मैं अट्टा माजी सटकली। उधर सटकाओ, उधर कैमरा उधर है। अट्टा माजी सटकली। हाँ लग ही रहा है। अरे बकरी मर गई बेटा, उठ। आली रे आली, बकरी तूजा वारी आली। आ जा बकरी। वेरी गुड यार, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। शुक्रिया, जो भी आप करने आए भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू हेड।
तो अब वक्त है फिल्म टोटल धमाल के दूसरे धमाल स्टार्स को यहाँ पे बुलाने का, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा वेरी टैलेंटेड एंड वेरी हैंडसम रितेश देशमुख एंड डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिस्टर इंदर कुमार। रितेश भाई, इंदर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इंदर सर को देख के मुझे एक बड़ी खूबसूरत सी शायरी जो आज बड़ी खास है, सबसे तगड़ी है, सुना दो। प्लीज प्लीज। मस्ती और धमाल की ये रात खास है। क्या बात, वाह। लाफ्टर किंग ये डायरेक्टर बड़ा बिंदास है। yes. वाह। भले ही आपका नाम इंद्र है लेकिन सारी अप्सराएं मेरे पास हैं। और ये हंसा हंसा कर अपनी बातों में फंसा रखा है। लड़कियों ने मोबाइल पर इनका वॉलपेपर सजा रखा है। इनकी मूवीज को देखकर ऐसा लगता है मुझे कि रितेश ने मस्ती और धमाल का इंजेक्शन लगा रखा है। क्या बात है। रितेश भाई, इंदु सर, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद। मजेदार ट्रेलर है। थैंक यू। और जितनी धमाल आप लोगों ने की है तो ऑडियंस जो है वो भी बॉक्स ऑफिस पे दिखाने वाली है, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सर। इंदु सर, सबसे पहला सवाल आपके लिए है कि एक स्टार को फिल्म में संभालना, ऑलमोस्ट एक बीवी और एक गर्लफ्रेंड को ऑलमोस्ट साथ में संभालने जैसा होता है। सर, आपने इतने सारे स्टार्स को कैसे मैनेज किया? अरे लेकिन स्टार तो फिल्म में एक ही है। अनिल जी की बात कर रहा हूँ यार। अनिल जी की बात कर रहे हैं यार। यार ये क्लास है भाई। सर, जिस तरीके के आपके डिप्लोमेटिक आंसर है ना, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आप पॉलिटिक्स में जाने वाले हो। तो पाजी का क्या होगा? मेरी दुकान बंद। तो जी सर, तो फिर मतलब देखिए, अच्छी तरह से सबने मिल के काम किया जी, एंड मुझे कोई तकलीफ तो नहीं आई जी, और आती तो भी क्या कर लेता। ऐसे ही हंस के फैंटास्टिक लाइन लो। सबसे ज्यादा मजा है इनको पता है किसके साथ काम करके आया है? जानवरों के साथ। जानवर तो पहले थे ही। जानवर पहले थे, स्टार बाद में आए। मैंने बोला था ये हमारे शो के लिए बने हुए हैं। अच्छा, रितेश भाई ने इतनी सारी फिल्में की हैं जिसमें जैसे अपना सपना, मनी मनी में ये चोर बने थे, उसमें बल्फ मास्टर में चोर बने, क्या कूल है हम अपने बॉस के कपड़े चुरा के पहनते हैं, धमाल में चोरी, एक विलन में चोरी, बैंक चोर में चोरी। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ भाई, इंडस्ट्री में आप एक्टर ही बनने आए थे कि चोर बनने आए थे? एक चीज समझ गया मैं इस इंडस्ट्री में, अच्छे रोल्स आसानी से नहीं मिलते, चोरी कर लेनी पड़ती है। बट ये पता क्या क्यों चोरी करता है जी? हाँ, ये पहले चोरी करता है फिर प्रोड्यूसर को देता है, मुझे ले लो। अच्छा, हमें तो ये भी पता चला रितेश भाई कि जो अपने इंदू सर हैं ये इनके साथ ना वो वाली गेम खेलते हैं कि मैं तुम्हें ले लिया, आगे तुम दो लोगों को लाओ, आगे वो दो लोग चार लोगों को लाएंगे तो शाम तक अच्छी न्यूज आएगी। तो रितेश भाई ये इसीलिए इतनी बड़ी कास्ट हो जाती है इनकी, इसमें सच्चाई है कि नहीं? नहीं, इनका राज यही है कि बड़ी कास्ट हो तो कम से कम वो देख लेंगे तो पिक्चर हिट हो जाएगी। इतनी बड़ी स्टार कास्ट जो है इनकी जो होती है इंदू सर की फिल्मों में, तो ये बजट कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? ये गुजराती दिमाग यूज करते हैं। ही इज गुजराती आल्सो, प्राउड ऑफ यू सर। ईरानी, हाफ ईरानी। हाँ जी, वो काफी होता है, आधा गुजराती तो है ना। हाँ, गुजराती आ ही जाता है। गुजराती तो 5% नहीं मान है, वो ही काफी होता है। तो ये क्या करते हैं कि ऐसे जाते हैं, अजय सर के पास जाते हैं, बोलते हैं यार ऐसा है कि माधुरी जी काफी पैसे मांग रही हैं, बजट बढ़ गया, आप थोड़ा कम कर लो। माधुरी जी के पास जाते हैं, बोलते हैं अजय जी बहुत पैसे मांग रहे हैं, आप पैसे कम कर लो। सर, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा मैं बोलता हूँ बट कोई सुनता नहीं है। सब कॉलर पकड़ पकड़ के पैसा ले लेते हैं। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस फिल्म का डायरेक्टर खुद इतना फनी हो उनकी फिल्म कैसी होगी। सर, लव यू सर। सर आइए बैठते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा इंदु सर, सिर्फ आपकी फिल्मों का बजट ज्यादा नहीं है, जैसे जैसे हमारी रेटिंग आ रही ना, चैनल ने देखो फ्रूट ऐसे ऐसे मंगवाए हमें नाम भी नहीं आते। ये कौन सा फ्रूट है रितेश भाई?
हाँ जी, ड्रैगन फ्रूट। इसको क्या करते हैं, मतलब कैसे खाते हैं इसको? मुंह से खाते हैं, मुंह से। पर पाजी, इसका क्या है न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है? मैंने कभी खाया नहीं, मैंने सुना है जैसे खाओगे ना ये वैसे ही निकलता है। अच्छा, टोटल धमाल में इतनी बड़ी स्टार कास्ट के अलावा शेर हैं, चीता है, गेंडा है, गोरिल्ला है, सांप भी हैं। तो सर, फिल्म का जो सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड से लिया था कि पीटा से? उनसे भी लेना पड़ा। और आपको पता है कि नहीं पता, आप वाइल्ड एनिमल्स इंडिया में शूट नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तो हम जो जितने भी एनिमल्स हमने शूट किए हैं वो एक्चुअल है। क्योंकि कल ही कोई मुझे फ़ोन करके बोल रहा था कि आपके एनिमल नकली दिख रहे हैं, तो मैं उसको ले जाना चाहता था जहाँ पे हमने शूट किया है, और अंदर बंद कर, अंदर बंद करना चाहता था, तो उसको पता चलता कि असली है या नकली है। बारे बारे बात कर रहा था। कैसे टोटल धमाल जाए ले? हाय सर, कैसे कैसे हो? कैसे? आज मैं शपथ खाती है, मैं जो बोलेगी सच बोलेगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि अजय सर को झूठ बर्दाश्त नहीं। कैसे इंदु जी, प्रोमो देख ली, एकदम मस्त है, मजा आया। अरे सब एनिमल एनिमल लिए ना आप लोग। अच्छा, आपने वो सिद्धू जी का शेर ले लिया, सिद्धू जी को क्यों नहीं लिया? सपना, वो सिद्धू जी का शेर थोड़ी ना था, उन्हीं का है पक्का। कौन सा? जिस हिसाब से वो माधुरी जी के पीछे भाग रहा है, इन्हीं का शेर है वो। कैसे रितेश? बस बिल्कुल ठीक। इतना मजे की लाइफ है ना इनकी, ये हम ही लोग है जो टाइम पास करने के लिए पैदा हुए, सच्ची बताइए। मतलब? मतलब क्या, हम लोग पैसे के लिए कितना काम करते, ये मस्ती करके पैसा कमाते। मस्ती, ग्रैंड मस्ती, हम लोग को तो टाइम नहीं एंजॉय करने का, ये धमाल करते रहते। धमाल, डबल धमाल, अभी देखो ना टोटल धमाल। तुझे बड़ा पता मस्ती और धमाल के बारे में है? हाँ, तो मेरा डाउ बताते, मेरा नाला सुपर है वाला। कौन कौन? टिंकू। कौन टिंकू? अरे वही पल पल ना माने टिंकू जिया। हाँ। उसको बहुत मनाती रहती है, उसका धमाल मस्ती आपका बहुत देखे ला मैं उसके साथ थिएटर में। खैर, मेरे को काम था आपसे। जी। 28 फरवरी को आप मेरे को लगेंगे। क्या? लगेंगे मतलब हमारे उधर ना संगीत है लेडीज लोग का। टिंकू को लेके जाना। अरे नहीं, टिंकू का है को, इनको सिंगिंग के लिए लेके जाने का उधर। नहीं तो तेरा झगड़ा हुआ उसके साथ? हाँ, वो मेरी शादी नहीं ना, स्टेटस का प्रॉब्लम हो गया था। वो मैं स्टेटस डाली ना एंजॉयिंग विद 20 अदर्स, तो कभी लाइक ही नहीं करता है मेरे स्टेटस। खुद की टिंडे जैसी शक्ल है, मेरी जिंदगी को ब्लॉक करके रखा है उसने। मालूम है रितेश तो गाना नहीं गाते। क्या बात कर रहा है, तेरे को मालूम नहीं इनका ले भारी है? अरे मैं टीवी में खुद ही देखी, खुद ही बोले ले थे ये कि माजा हाथ भारी, लात भारी, तुझे मायला सगड़े ले भारी, ऐसा। कब ना, हमेशा फालतू की बात करती, काम की बात भी कर लिया कर कभी। काम की बात करूं? हाँ सर, यू नो अबाउट ग्लोबल वार्मिंग? घर पे कभी भी स्विच ऐसा एसी वैसी चालू रहता है, स्विच बंद रखने का सर, ग्लोबल वार्मिंग का बहुत अच्छा रहता है। और टैप पानी वानी बंद रखने का, पानी। काम की बात की, कोई हंसा क्या इधर? कोई हंसा क्या? कोई हंसा नहीं ना, कॉमेडी चलते रहने चाहिए। अच्छा मैं क्या बोल रही सर, अभी ना सर्दी के टाइम में आप किसी से हाथ वात मत मिलाना। क्यों? क्योंकि लोग ऐसा करते, ऐसा करके ना हाथ भी धोते नहीं, अच्छे नहीं लगते। और मैं बड़े बड़े लोग को देख लिया, ऐसा करके ना ऐसा पोंछ देते इधर। मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, लेकिन अभी नहीं करती। अभी हाथ धोती है? नहीं, दूसरे पे पोंछती, अपना कपड़ा काहे को खराब करती। अपना ऐसे ही रहते। आज करने क्या आई है? अरे मैं एक मिनट आप लोग के लिए गिफ्ट, एक मिनट। सर। वाह, पहली बार तूने ढंग का काम किया, पहली बार किसी को सम्मान किया इसने। सम्मान अम्मान नहीं, मैं शॉल बेचने के लिए आई ली इधर। सम्मान तो इनका होता ही रहता है, बड़े लोग। शॉल का सीजन तो जाने वाला ना? तो जो जाने वाला है वो आने भी तो वाला है ना।
तू आया ना एक साल के बाद. मैं है ना इधर लड़की बन के खड़े लिए ना. पैसा बहुत बड़ी चीज रहती है. क्योंकि क्या है सिद्धू जी, पैसा नहीं तो कंगाली और पैसा है तो ठोको ताली. अजय सर, काश बोल बच्चन के बाद काम दे देते, आज शॉल नहीं बेचना पड़ता था. लेकिन बोल बच्चन में काम माइंड ब्लोइंग किया था. थैंक यू सर. इसका भाई था सर. सर ये देखिए कॉटन का शॉल है सर. ठीक है, मुझे ठंड भी लग रही है. ये हमारे इधर ये सिल्क का भी शॉल है. ये देखिए क्वालिटी देखिए. हाँ ठीक है यार. हाँ, मैं जूट का शॉल नहीं रखती. क्यों? बोला ना अजय सर को जूट बर्दाश्त नहीं है यार. अरे बेवकूफ, जूट मतलब जूट नहीं, झूठ बर्दाश्त नहीं है. हाँ तो मेरे को पता है, मैं हंसने के लिए बोल रही, कॉमेडी करने देना. काय को टोकते ऐसा बीच बीच में, अच्छा नहीं लगता है. रितेश सर जी, आप जिनेलिया भाभी के लिए दो लेकर जाइए, लीजिए, बहुत अच्छा है. सिद्धू जी तो 6 लेकर गए मालूम है. क्या बात है भाभी, भाभी के लिए 6 शॉल? वाह. भाभी के लिए नहीं, पीछे 6 लड़कियां बैठी उनके लिए लिए सपना मेरे को अभी तुमने मसाज का काम छोड़ दिया शॉल पे. अरे नहीं, सिमरन राज को छोड़ सकती है लेकिन सपना कभी मसाज नहीं छोड़ सकती. अजय सर हमारा इधर मसाज पार्लर है, आप लोग आइए कभी, हम लोग बहुत अच्छा, वी हैव न्यू डिटॉक्स मसाज. वाओ, कैसे करते हैं ये? क्या है डिटॉक्स मसाज? में कैसा, आदमी का हाथ पैर बांध देते और हमारे पास एक स्पेशल कोबरा है, उसका ऐसा जवान रहते है ना, उसको ऐसा टच करते सब जगह, ऐसा ऐसा ऐसा, जितना कचरा रहता है ना आदमी का, वो झाग बन के बाहर आता है, आदमी रिलैक्स. सपना पागल है, वो आदमी रिलैक्स नहीं होता, मर जाता है सांप के डसने से. क्या बात कर रहे ले? तो तभी मैं सोचू एक कस्टमर 5 दिन से क्यों रिलैक्स कर रहे हैं. अच्छा हमारे इधर मस्ती मसाज बहुत अच्छा रहता है. अच्छा, हाँ उसमें क्या होता है? वो ये बताएंगे, इन्होंने सबसे ज्यादा मस्ती की है, मैं क्या बताएगी. सपना उनको कोई मसाज नहीं करानी, जाओ अभी यहाँ से. अच्छा मैं पर्सनल बात करेंगे. हाँ. आप लोग का प्रोमो देखे लिए मैं, उसमें क्या आप लोग ऐसा 50 करोड़ रुपए के पीछे भाग रहे ले, ऐसे सब कुछ है ना? जी. हाँ बहुत अच्छा है, वैसे मार्केट में सब लोग को बहुत पसंद आ रहे ले. जी थैंक यू. अजय सर आपका सब पिक्चर 300-400 करोड़ तो रहते ही, आपका भी सब पिक्चर हिट है जी. आप देखना बहुत पैसा आने वाला है इस पिक्चर से. तो मसाज के लिए आए? नहीं मसाज के लिए नहीं, मैं ये बोल रही इतना जो आपको पैसा आ रहा है तो मेरे को 1 करोड़ रुपया दो ना. जब देखो पैसा मांगती रहती है. एक मिनट, एक मिनट, ये मुझे पता है हमेशा पैसा मांगती रहती है, आज दे ही देते हैं. दे दो सर. मैं लेके आया, आपके पास बहुत है, दे दो सर. लाओ बैग लाओ. क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं सर, सच्ची में इतने सालों से तो देखो मर गए हम मेहनत करते करते. इसमें तो आपका फोटो है, कौन से बैंक में डालने के? ये तो जावेद भाई और आप लोग का फोटो लगे ना इसमें. चलो सर ये तो नकली है, ये आपको एडवांस में दिया, फिर भी आपने प्यार से दिया तो मैं रखती है इसको. लेकिन जाने से पहले एक बात पूछने का था, बोल बच्चन इतना सुपरहिट हुई बाद में क्यों नहीं लिए पिक्चर में आप मेरे? बट 100% बात सही है, आगे साथ में काम करेंगे. क्या बात है, बोल डाला. अब मैं आपके पीछे लग जाएगी हर शूटिंग पे, अगली पिक्चर भी साथ में करेंगे सर. इंदू सर की धमाल के बाद डबल धमाल, अब टोटल धमाल. सर टोटल धमाल जब आता है, मतलब टोटल आगे बढ़ते तो ऐसे लगता है कि इसके बाद खत्म. तो टोटल धमाल के बाद कुछ है इरादा कि धमाल विद इंटरेस्ट टाइप या कुछ ऐसा है? अच्छा वो, हाँ लेकिन मैं वो इधर स्टेज पे नहीं करना चाहूँगा, हम साइड पे चलेंगे और उसके बारे में बात करेंगे. साइड पे जाके मतलब क्यों, मेरे को लेने का इरादा तो नहीं आपका? ऐसा ही मतलब कुछ है, कुछ है. हाँ जी
तो दर्शकों मैं आपसे यही बताना चाहता था कि मुझे भी फिल्में ऑफर होती हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा इस फिल्म में अजय सर भी को प्रोड्यूसर हैं साथ में। सर आप मर्जी से प्रोड्यूसर बनते कि आपका पेमेंट इतना भारी रहता है कि उनको बनाना पड़ता है साथ में? इस बार इन्होंने मुझे बेवकूफ बना दिया, बोला कि तू प्रोड्यूसर बन जा। अच्छा मैं बन गया, उसके बोलते अब काय के पैसे। ये स्कीम है इनकी, इन्होंने बोला अजय को तू प्रोड्यूसर बन जा, हाँ पेमेंट तू अपने आप को दे दे। सॉरी सर, आपके साथ तो अंजू सर भी प्रोड्यूसर हैं, और अभी तो उन्होंने बताया कि गुजराती के साथ ईरानी भी हैं। कभी ऐसा हुआ है अजय भाई ये कि आपके पास आते हो कि यार वो देखो जावेद जाफरी अरशद वारसी भर भर के चिकन खा रहे हैं, बजट बढ़ जाएगा, ऐसा कभी हुआ है? चिकन आता था सेट पे। तूने खाया? सर आप सब लोग इतनी मस्ती धमाल करने वाले लोग हैं, ऊपर से अरशद भाई हैं फिल्म में, जावेद जाफरी हैं, मिश्रा जी हैं, तो सर ऐसा तो हो नहीं सकता कि फिल्म बड़ी चुपचाप से शूट हो गई हो, धमाल तो मस्ती काफी होती होगी वहां पे भी, तो कुछ कैसे किससे मजेदार कुछ सुनाओ सर। हम लोग गाना शूट कर रहे थे, यही पैसा ये पैसा हाय। अच्छा। पैसा तो उस गाने के शूट के दौरान अभी क्या होता है ना कि एक पूरा स्टारकास्ट जमा हो चुका है वहां पर, अब हो गई डांसिंग कि सब लोग मिलके नाचेंगे। अच्छा तो सब लोग अब कोशिश करें ये नाचेंगे वो नाचेंगे, और एक स्टेप थी करके दिखाते, एक स्टेप थी ये सब हो रहा है, ये सब बहुत अच्छा रहा इंदु जी, ये क्या हो रहा है? ये सब लोग अलग अलग स्टेप क्यों कर रहे हैं? तो रहे हैं नहीं सर एक ही स्टेप है, अपने अपने स्टाइल से कर रहे हैं। वही चीज है सर, आप इतने सालों से इंडस्ट्री में, और जब आपका स्टाइल इतना पॉपुलर हो जाता है लोग देखना चाहते हैं, फिर अपने स्टाइल में आप जो भी करते हैं लोग आपसे प्यार करते हैं, तो स्टेप पे तो वो कोरियोग्राफी तो कराते हैं, मेरे साथ अहमद खान साहब एक बार करते, तो मैंने किया, बोलते नहीं अच्छा नहीं है दोबारा करो, मैंने फिर दोबारा किया ट्राई किया नहीं हुआ, बोलते तुम्हारे लिए गलत है ये, मैंने कहा मेरा कुछ नहीं चल रहा, मेरा टीवी पे भी एक काम आता है, करियर आपका खराब होगा। मैं कोई सिंपल सा स्टेप दो, अब वो साथ में एली एवरम थी, वो बहुत अच्छी डांसर है, मैं होता है कई बार, पर ठीक है सर, वी लव यू सर। हेलो हाउ आर यू सर? आई एम गुड, हाउ आर यू? हेलो सर, हाय हाउ आर यू? तू प्यार करते करते थक गई पर वो नहीं माना अभी तक। थैंक यू सो मच सर। हेलो अजय सर, हाउ आर यू? आई एम गुड थैंक यू। मुझे भी हेलो कर ले, मैं हाथ गंदे। कितनी बार कहा सीधी सीधी एंट्री लिया करना, आज की आई तुझे पता नहीं है, किसने बताया नहीं तू बड़ा गंदा डांस करती है। सिद्धू पाजी। हाँ जी। इश्किया मौसम एक अर्ज किया है। हाय 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 हाय, वाह क्या बात है। फूलों की महक जैसे हैं हम, कोई पहचाने तो सही। वाकई वाकई काबिले तारीफ। फूलों की महक जैसे हैं हम, कोई पहचाने तो सही। काबिले तारीफ। दिल क्या चीज है, जान भी दे दे कोई माने तो सही। वैसे ये खास कपूर तुम्हारे लिए। तो स्वीट कितने का लगाया? एक्सक्यूज मी, तुम्हें मैं बलून बेचने वाली दिखती हूँ? नहीं लगती तो नहीं, तू पक्का चुरा के लाई कहीं से, किसके चुराए हैं? कपूर कभी तो कुछ तो ढंग का सोच लिया करो। सर देखा आपने, रात भर मैंने गुब्बारे फुलाए और ये खुद मुंह फुलाए बैठा हुआ है यहाँ पे। अगर ये ढंग का सोचता तो यहाँ थोड़ी होते। गुब्बारे फुलाना कौन सी बड़ी बात है सर, इतने बड़े इसके होठ है, छे छे एक साथ फुला लेती है। और बड़ी बात ये, दो तो नाक से भी फुला लेती है ये। रितेश कोई कैसे नाक से फुला सकता है, लाइक सीरियसली मैंने खुद देखा परसों, उसको जुकाम था, दो गुब्बारे फुला के घूम रही। देखो कपू, मैंने ना बहुत प्यार से तुम्हारे लिए गुब्बारे फुगाए, तो कभी इन गुब्बारों को ना कान में लगाओ, इनमें भरी जो सांस की आवाज आएगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगी। वाह, चोर चोर चोर। ए मेरे गुब्बारे लेके क्यों भागी? देखा मैंने कहा था ना। एक सेकंड, क्या भागे मतलब? अरे मैं भागती तो पकड़ नहीं लेता मुझे। मुझे देख के लगता है वो भाग सकता है तेरे पीछे। अरे सर ऐसी बात नहीं है, भाग तो मैं सकता हूँ, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, इसके पीछे कौन भागेगा भला। भूरी गुब्बारे दे वापस उसके।
पर जितनी तुम्हारे में हवा भरी ना तो गुब्बारे छोड़ बीन बैग फुलाया कर। पक्का मैंने पहली बार देखा है कि गुब्बारा गुब्बारे बेच रहा है। देखा बाजी हमने कोई सच्चा प्यार व्यार नहीं करती है, ढोंग करती है, गुब्बारे चुरा के भागी। आज अगर सच्चे प्यार की अगर भूरी को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़े ना तो आज मैं दूंगी बाजी। अग्नि परीक्षा सीधा बोल बीड़ी पीनी धर को। इंदर सर पता है मैं हर सोमवार को नंगे पैर सिर्फ इसके लिए मंदिर जाती हूँ। नंगे पैर मेरे लिए नहीं जाती, तू नंगे पैर इसलिए जाती ताकि वहां पे नए जोड़े मिले। नंगे पैर जाती है, एक जोड़ा पहन के आती है, छह जोड़े बगल में लेके भागती है। और फिर ये सेल लगाती है उधर, और सेल भी लगाती है मुंह पे मफलर बांध के ना, ऐसे पता नहीं चलने देती आदमी के हाथ में, छह के चार, छह के चार, सब पता ना। देख रहे हो पाजी, इस बंदे को मेरी बिल्कुल कदर नहीं करता। बहुत देर से देख रहा हूँ, मतलब रोज डे, वैलेंटाइन डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रपोज डे, सब पे विश करती हूँ, लेकिन इसका रिप्लाई कभी नहीं आता। तेरे पास ये डे सूट ही नहीं करते, तेरे पे वो सूट करते, लिफ्ट दे, तीन पत्ती दे, डबल जीरो कमान दे, ये सब सूट करता है तेरे पे। तीन पत्ती कैसे खेलती है वो तो दिखा दे रहा। ये क्या करती है अभी, अब इधर आके सोफिस्टिकेटेड बातें करती है। हेलो अजय, हेलो रितेश, हेलो इंदु जी। बाहर ऑटो वाले को पता क्या बोलती है ऐसे, ए निकालना तीन पत्ती, चल तेरा। तू रहने दे कप्पू, प्लीज रहने दे। देख अजय सर को देख, वो कितना प्यार करते हैं अपनी वाइफ काजोल मैम से। तो काजोल मैम को भी देखो, बंगाल की ब्यूटी, तू क्या भांडुप की टूटी। अरे टूटी की ब्यूटी तुम क्या जानो कप्पू बाबू। अरे मैं तो बताना भूल गई पाजी, मैंने पता इंद्र सर को अपना ऑडिशन दिया था टोटल धमाल फिल्म के लिए। हाँ, याद है याद है याद है, पर उन्होंने नहीं लिया ना, उन्होंने चिंपैंजी रख लिया ना। तुम्हारी ये बकवास के चक्कर में ना मैं भूल गई कि मैं अपने गेस्ट के लिए ना मैंने रुमाल बना के लाई हूँ, पता है? मेन काम पे आ गई ना। सारे गेस्ट के लिए। पाजी। पाजी। पाजी मैं बर्बाद हो गई, पाजी मैं बर्बाद हो गई। क्या हो गया? पाजी मैं लुट गई। भाभी क्या कर रही है अभी, तो परेशानियां बता रही थी, अभी आगे डांस कर रही है। एक मिनट देवर जी, पंजाबी लोगों को डांस करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती, समझे आप? हेलो इंद्र कुमार जी, हेलो नितेश जी, हेलो अजय जी, अजय जी, अजय देवगन सर जी, वाह। सुनीलिया मैम को नहीं लेके आए? इंद्र सर, बीवी सर, काजोल मैम। बेटा इनकी फिल्म आ रही टोटल धमाल, उसमें काजल मैम या उनकी सबकी बीवियां नहीं है। अच्छा सॉरी, सिद्धू भाजी का फिल्म में क्या रोल है? उनका कोई रोल नहीं है। तो वो भी तो आए हैं ना। ये ना सारे बंदे होते ही ऐसे हैं ना, सिद्धू भाजी अपनी वाइफ को लेके आते हैं, शादी से पहले ये भी लाते थे, अब ये भी नहीं लाते हैं। आप लोग भी नहीं बीवियां लेके आए, चलो ये तो कुछ भी नहीं, नील आर्मस्ट्रांग भाजी वो भी चांद पे अकेला ही चल गया बीवी के बिना ही। और क्या नहीं तो, अजय जी आपने देखा है चांद ऐसा थोड़ा दाग दाग वाला होता है ना, अगर नील आर्मस्ट्रांग अपनी बीवी को लेके जाते ना तो उन्होंने भाजी गीले कपड़े से इसे स्टूल पे चढ़ के चांद को चूकू चूकू करके, चूकू चूकू करके ऐसे साफ करना था ना कि चांद ने लिसक जाना था। मेरा तो मूड ही खराब कर दिया इस बंदे ने। अभी अभी तो आप रोती हुई आ रही थी। मैं कब रोती हुई आ रही थी? मैं क्यों रो? अभी तो मैं रोती हुई आ रही थी। इंद्र कुमार जी ये देखिए, चूहे ने मेरा सारा शर्ट कुतर दिया, मैं क्या करूंगी? अब ये चूहे ने नहीं, किसी चूही का काम है ये। रुमाल रुमाल देखो इनके हाथ में। एक मिनट, हाय मैं मर गई। क्या मतलब, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे थे आप। भाभी आपकी बहन ने काट के बनाया है रुमाल आपकी ड्रेस में से। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अजी इसको बचपन से मैंने पेट काट काट के पाला है और आज उस लड़की ने मेरा शर्ट काट के रुमाल बना दिया, अब मैं रुमाल कैसे पहनूंगी? भाभी रुमाल कौन पहनता है, रुमाल तो नाक पोंछने के लिए होता है। वो तो पर्दे होते हैं ना। पर्दे इसलिए होते हैं
कोई ताक झांक ना कर सके। ताक झांक ना, उसके लिए तो की होल होते हैं ना, उसी की होल से तो हम देखते हैं कि आपके घर कौन है। ओए होए अजय देवगन। अरे दीदी क्या बोले जा रहे हो आप तब से? सॉरी वो मेरी बहन थोड़ी सी ऐसी है। क्या क्या कहा तूने? मैं ऐसी हूँ सिद्धू बाजी? मैं ऐसी हूँ? ये तो बचपन से ही मेरी खूबसूरती से जलती थी। अजय जी कुत्ते से भी छोटी होती थी जब पैदा हुई। यहाँ बगल में रख के पूरा पूरा दिन लोगों के घर नोड़ी मांगने जाती थी इसके लिए। पर तूने तूने मुझे क्या दिया? ये ऐसी है, हैं? ऐसी हूँ? भूल गए कितने रिश्ते आते थे तेरे लिए? पाजी मैंने कहा, मैं कहा लड़का लड़की को ना 10 मिनट के लिए अकेले छोड़ दो, एक दूसरे को जान लेंगे। 10 मिनट तो दूर की बात इंद्र कुमार जी, लड़का 6 मिनट में बाहर आ गया। कहता पापा उठो मैं जुए में सब कुछ हार गया हूँ। जुएड़ी कहीं की। भाभी जब नोट फटा हो ना गड्डी के बीच में रख के चलाओ तो निकल जाता है, तो जहाँ बहुत सारी शादियां हो रही होती है सामूहिक विवाह, माँ भेज दिया करो ना, वहाँ शादी हो जाएगी। इन्होंने ट्राई किया था भाई, एक जगह 170 शादियां हो रही थी वहां पे चलेगी, जैसे दुल्हन ने देखा ना भाजी, एक ही घोड़ी पे 150 दूल्हा बैठ के भागा। पता मैंने पहली बार शेरवानी पहन के मैराथन दौड़ते हुए देखे लोग। बस देवर जी बस, आप कौन हो जो मेरी बहन के बारे में ये सब बोलने वाले? आपकी जरूरत कैसे हुई? आप भी तो बोल रही थी मैं उसकी बहन। आप उसकी बहन हो, आप सलवार पहनते हो, आप ऐसे करके सेफ्टी पिन से ये दुपट्टा लगाते हो, वो मेरी बहन है। और थैंक यू दीदी। देखा सर आपने, मॉल में थोड़ी सी लड़ाई हुई कि नहीं, आ जाते ये ननद बन के। तू चुप कर। जब मैं उनको डांट रही हूँ तो फिर इतने बड़े बोले बीच क्यों डाल रही है तू? हाँ चल जा, भैंसों ने गोबर कर दिया। फिर बोलती दीदी जब ठंडा हो जाता तब कहते उठाने के लिए, गरम गरम मजा आता है। चल जा उठाने के लिए। जा। गई? आहा। इंदर सर आपको हाँ कभी भी हीरोइन की जरूरत हो आप मुझे आधी रात को फोन करना, मैं नहीं उठाऊंगी क्योंकि मैं सो रही होती ना, सुबह मैं आपको कॉल करूंगी और मैं कहूंगी यस आई एम अवेलेबल। वैसे ना टोटल जमाल आ रही है, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू। मैं उसके लिए एक बोली कर सकती हूँ? जी हाँ जी, आ जाइए, क्योंकि मराठी बंदे को पंजाबी गाने में नचाओ ना तो अलग ही मजा होता है। सच्ची मैं कहूँ इतने अच्छे लोग आए ना, मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा, मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा। अच्छा सर मैंने एक बात कहनी है आपसे, मैंने आपको कभी भी रोमांटिक नहीं देखा, आज मेरे को जरा दरवाजे तक छोड़ाओ। सर लंबा वाला बूट हटाना, आइए। ये बहुत शरारती है भाई, ऐसे जाओ मत इसके साथ। अरे आ जाओ चाय पी के जाओ, जूस पी लो। बाहर ताला नहीं है, लगवा लेंगे सर। जितेश भाई एक बात पूछनी थी, जैसे आप इंदु सर के साथ मस्ती वाली जितनी भी फ्रेंचाइज की है, मस्ती ग्रैंड मस्ती ग्रेट ग्रैंड मस्ती, इसके पैसे मिलते हैं कि ये बोलते हैं कि हो गए पैसे पूरे आपके जितनी मस्ती करी आपने? एक तो साइन करते हैं, बस इतनी मस्ती कर ले अब तू पैसे दे दे। उल्टा होता है, उल्टा होता है। वेरी गुड सर, ये चीजें सीखनी है आपसे। लेकिन ये सब सीख के डबल धमाल और टोटल धमाल ये भी हमने तीनों साथ में किए। नहीं वो तो मैं बोल रहा था मस्ती वाले चक्कर में भी पैसे नहीं दिए, धमाल में भी नहीं। वाह सर मुझे आपका शागिर्द बनना है। अच्छा आदमी है, अभी रिलीज है, नहीं मांगेगा पैसे देखना। तो अजय सर रितेश भाई और इंदु सर के साथ बातें करके इतना मजा आ रहा है सर, मैं सोच रहा हूँ सारी कास्ट होती तो कितना मजा आता। तो एक एक करके और कुछ एड ऑन करते हैं, तो मैं अनिल सर और माधुरी मैम को भी बुला लेता हूँ। अच्छा वो भी आ रहे हैं? हाँ सर आएंगे तो ठीक है। अरे तो, लेकिन एक काम करें जी, आप जरा उनके साथ थोड़ी बातें करो, हम लोग थोड़ा चाय कॉफी पी के चाय कॉफी पी के आते हैं। समर ब्रेक कब से काम ठीक करा है, रहे हैं। चलिए लेकिन आना जरूर सर, भूल नहीं जाना। नहीं नहीं लव यू सर। अब मैं यहां पे बुलाना चाहता हूं द एवर ग्रीन द वर्सटाइल द एवर यंग, और उनके साथ में जो आ रही हैं, वेरी ब्यूटीफुल वेरी टैलेंटेड मिस्टर अनिल कपूर एंड माधुरी दीक्षित। ओहो क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। तेजाब राम लखन परिंदा किशन कन्हैया बेटा जैसी बहुत सारी सुपरहिट फिल्म की सुपरहिट जोड़ी के लिए। जब बात होगी डांस की सबसे पहले आपका नाम आएगा।
सुंदरता ऐसी, सुंदरता ऐसी कि चांद भी शर्मा के छुप जाएगा। मैं ये सोचता हूं कि अगर माधुरी जी राजनीति में आ जाएं तो पूरा विपक्ष आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। क्या बात है, इसे क्या बात है? मौके पे चौका, इलेक्शन के टाइम पे वोट वाला शेर। वाह पाजी क्या बात है। दूसरा भी शॉट मार सकता हूं अगर तू कहे, लेकिन आने दो आने दो आने दो। अनुभव 40 सालों का पर आयु 30 की रखते हैं। अपनी हर फिल्म में कामयाबी का स्वाद चखते हैं, अपने साथ सिर्फ जवानी को लिए फिरते हैं, उम्र को तो ये घर की तिजोरी में कैद किया करते हैं। पाजी आपने आज तक सब अभिनेत्रियों के लिए, सभी अभिनेताओं के लिए इतने खूबसूरत शेर पड़े हैं, इनके लिए दो दो निकलते हैं। हाँ मेरे को पता है आपकी तिजोरी काफी भारी भरकम है। एक तरह का नहीं, मेरे पांडे के लिए मार दें आप शेर। कौन सा? वो पीछे अपने ड्रम पे पांडे, अपना दोस्त। नॉन प्रोडक्टिव वेस्टेज ऑफ टाइम। पर मैं माधुरी मैम जी, आप और अनिल सर आज, मतलब मेरे ख्याल से पहली बार ही हमारे शो पे ऐसा हुआ कि अनिल सर माधुरी मैम साथ में आए बड़े पर्दे पे। इतने सालों से इन्होंने इतनी सुपर हिट फिल्में दी हैं, पूरे हिंदुस्तान को इंतजार था सर आपको साथ में देखने का, और टोटल धमाल में आप साथ में आ रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक। और आपको पता है मैम, आपको एक बात बताता हूँ मैं, अभी ना सिद्धू साहब क्योंकि नॉर्थ से आते हैं ना, चंडीगढ़ में फॉग बड़ी पड़ रही थी, तो एयरलाइंस वाले ने बोला कि सर आज फ्लाइट जो है शायद नहीं उड़ सकती। इनको पता था आप आ रहे हो, ये पायलट के पास पहुंच गए, कहते गुरु तू उड़ा, मैं तेरी बगल वाली सीट में बैठ के ना शीशा साफ करता रहूंगा। नहीं नहीं, सिर्फ आप ही ऐसे नहीं हो, सिर्फ मैं आप ही की बात नहीं कर रहा हूँ। अनिल सर और सोनम अभी थोड़े दिन पहले आए थे जी। तो अनिल सर बोलते यार अभी तो तेरे शो में आया, अभी तो इतना पाजी कमाल का एपिसोड था सर, लव यू सर आपकी एनर्जी। और मेरे को कहते अभी तो मैं आया था, अभी दोबारा आके क्या करूंगा, थोड़ी देर बाद आता हूँ। तो मैंने कहा सर माधुरी मैम भी आ रहे हैं, फट से गाड़ी में बैठ गए। ये बात सही है, बात सही है। तो मैंने कहा सर अभी गाड़ी में बैठ गए, शो बाद है। तेरा यार तेरे एपिसोड में मजा बड़ा आता है, तो मैं तो पहले की मना कर रहे थे यार, समझा करना। अनिल सर सबसे पहले तो ये बताइए, टोटल धमाल में ये पुरानी लव जो केमिस्ट्री आपकी, वही नजर आएगी कि कुछ अलग नजर आएगा हमें? देखिए ये फिल्म जो है जो डायरेक्ट कर रहे हैं ये इंद्र कुमार जी कर रहे हैं, तो इंदु जी ने कहा कि इसमें मैं माधुरी को लेना चाहता हूँ, तो मेरा स्क्रिप्ट सुनाने की जरूरत, डन। तो उन्होंने बोला कि ये क्या है कि पैसे मैं इतने नहीं दे सकता, डन। अच्छा मैम, आपकी और अनिल सर की जो फिल्म थी तेजाब जी, पहले तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये इतनी सुपर डुपर हिट होगी, पर जब फिल्म आ गई सुपर डुपर हो गई, उसके बाद जब आपने दूसरी फिल्म साइन की, आपने कभी सोचा था एक साथ हमारे शो पे आने का मौका मिलेगा? अरे चलो मैं हंसी मजाक में ऐसे बोल देता हूँ, पर मैंने जब फिल्म तेजाब देखी, बेटा देखी, आपकी इतनी सारी फिल्में देखी, तो मैं ना अभी तो खैर 15 साल से हो गए ज़्यादा ऊपर टीवी पे काम करते हुए, पर मैं जब अभी भी कभी अकेला बैठता हूँ ना, जैसे कल शूट पे पता था कि अनिल सर माधुरी मैम आने वाले हैं, तो बड़ी बड़ी देर नींद नहीं आती, मैं अकेला सोचता हूँ कि यार ऊपर वाला मेहरबान तो गदा पहलवान। तो मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था सर कि आपसे मुलाकात होगी और होती रहेंगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा माधुरी मैम कि जब वो गाना हिट हुआ ना 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा हर लड़की मोहिनी बन के घूम रही थी। मेरी गली में एक होती थी पूनम, उसका एक दांत नहीं था ये वाला ना, वो भी अपने आप को माधुरी दीक्षित समझती थी। मतलब आप तो खुद ही माधुरी दीक्षित है ना, आपको देख के तो वैसे ही बनी हुई लड़कियां। आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया मैम? पहले एक फिल्म थी तब जब तेजाब रिलीज हुई, उस दौरान मैं एक फिल्म कर रही थी जिसमें हम तीन एक साथ डांस कर रहे थे। ओके तो मुझे हमेशा पीछे पीछे रखा जाता था क्योंकि आई वाज नॉट सो पॉपुलर एट दैट टाइम। जैसे ही तेजाब हिट हुई तो मेरी पोजीशन चेंज हो गई, तो मैं सामने इन द सेंटर। पर उसके बाद आप ऐसा आगे आई, फिर किसी को आगे आने नहीं दिया आपने। और तो तेजाब के बाद मुझे पहली बार रिकॉग्निशन मिली स्ट्रीट्स पे, जैसे रास्ते पे चलते हुए। तेजाब जब रिलीज हुई थी तब मैं यहाँ नहीं थी, मैं मेरी बहन के शादी के लिए गई थी US में। अच्छा। जब मैं वापस आई, एयरपोर्ट पे उतरे, हम लोग बाहर आए, तो सडनली एक बच्चा बोला ए वो थे हीरोइनी हीरोइनी। तो भाग के आए दोनों, मैंने बोला अरे मुझे पहचाना,
फिर बोलता है मैडम आप हीरोइन है ना, आप ऑटोग्राफ दीजिए ना. तो मैंने ऑटोग्राफ दिया तो एम से सिग्नेचर किया मैंने. तो दूसरे को बोलता है देख देख एम एम मोहिनी मोहिनी, मैंने बोला था. अच्छा लास्ट टाइम ना मैम जब अनिल सर आए तो हम लोग इनके फैंस की बात कर रहे थे. मैंने अनिल सर से, आपने भी नोटिस किया होगा, आपके साथ भी सेम ही होता है ब्यूटी पार्लर में जो होता है ना लड़कियों की फोटो, माधुरी मैम की फोटो लगी रहती है. तो कई लोग तो इन्हीं को देख के घुस जाते हैं, वाह माधुरी आती होंगी इधर. और मैम आपके इतने सारे चाहने वाले हैं, करोड़ों लोग हैं जो आपके चाहने वाले हैं, लेकिन मैंने एक अजीब फैन के बारे में सुना. उन्होंने बोलते कि आसमान से तारा तोड़ के लाया. मैं कहा यार ये बातें तो शायर लिखते हैं, पर इसमें सच क्या मैम, वो तारा क्या था, कहाँ से तोड़ के लाए? एक फैन क्लब है जिन्होंने ओरायन बेल्ट में एक तारा होता है, उस तारे को नाम नहीं था. अच्छा जी. तो उस तारे को मेरा नाम दे दिया उन्होंने. वाह. और ये क्या विच वॉज अमेजिंग. मुझे पता भी नहीं था ऐसा कोई कर सकता है कि कोई ऐसे एक तारे को किसी का भी नाम दे सकता है. तो शायद आपका भी कभी तारा हो जाएगा, देखिए आप. उन्होंने तो तारे को नाम दिया ना आपका. सिद्धू पाजी तो कह रहे मैं चांद को दूंगा नाम, माधुरी रख दूंगा नाम. कहते मैंने बोला ये करना, देख क्या वो माधुरी निकली कि नहीं. मैम आपका एक और फैन है, उससे तो मैं भी मिला हुआ हूँ. तो अमृतसर में है एक चन्ना चूड़े वाला करके, मैंने आपको बताया भी था. जी, जी. तो वो चूड़ा बनाते जो नई दुल्हन शादी में पहनती है ना, तो वो क्या करता है मेरी मम्मी को ले जाता है आके जिस दिन आपका बर्थडे होता है. तो हाँ, तो मेरी मम्मी अमृतसर की माधुरी है. पर मैं आपको फोटो दिखाता हूँ मैम, हाउ स्वीट ऑफ हिम. यहाँ पे दिखाना जरा वो पिक्चर. तो ये देखिए माधुरी जी का बर्थडे है. हाँ. अब मेरी मम्मी केक, मेरी भाभी भी बैठी साथ में गुलाबी सूट में देखो. और ये आपका हर साल बर्थडे मनाते हैं मैम वहाँ पे. तो उन्होंने मुझे कसम दी थी, बोलता जब भी आप माधुरी जी से मिला मेरा नाम जरूर लेना, कहता और मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए. और भी होंगी पिक्चर्स. ये देखो आपको केक खिलाया जा रहा है और मम्मी मेरी खिला रही है. और वो देखो पीछे मैं भी खड़ा हूँ. ये मेरा सगा मामा है. ओ सॉरी मैंने उसकी मूछे थी, मैं समझा मैं वह हूँ. नहीं ये मेरे मामा जी हैं, आर्मी से रिटायर हैं. वैसे ही हमारे घर बहुत कम आते, बिजी रहते हैं, आर्मी के बाद भी जॉब करते हैं. लेकिन इनको पता चला माधुरी जी का बर्थडे, पहुंचे हुए मूछे रख के देखो. वाह. और भी है हमारे पास पिक्चर्स. ये देखो आपसे मिले भी हुए हैं. चन्ना जी आपका मैसेज मैंने माधुरी जी तक पहुंचा दिया, आपकी फोटो भी दिखा दी. अब जितना भी आपको बनने पड़े आप दान पेटी में हमारे घर डाल दें. थैंक यू मैम. नॉर्मल लोग तो आपके फैन होते हैं आपकी फिल्मों देख के, लेकिन जो खुद इतने बड़े स्टार्स हैं, हुसैन साहब, फिर अपने बिरजू महाराज जी, जब ऐसे लोग भी आपको बोलते हैं कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, क्या फील होता है मैम उस समय आपको? जैसे हुसैन जी रहे या महाराज जी रहे, जब वो कॉम्प्लीमेंट देते तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि मैं उनकी मुरीद हूँ. मैं आई एम आपकी पेंटिंग बनाई उन्होंने और आपको प्रेजेंट, इन्हीं को तो बना रहे जब से देखा है. अरे मैं एक किस्सा सुनाता हूँ. जी हुसैन साहब का. अच्छा जी. तो सुनीता बोलती है सबकी पेंटिंग से हुसैन साहब की पेंटिंग नहीं है. अच्छा. हुसैन साहब की पेंटिंग हम अफोर्ड कर नहीं सकते थे. अच्छा. तो वो माधुरी जी को मिलना चाहते थे. अच्छा. तो मैंने बोला कि आपको अगर माधुरी जी को मिलना है तो मुझे भी एक पेंटिंग देनी पड़ेगी. तो मेरे घर पर आना. अच्छा. और उन्होंने मुझे पेंटिंग दी है जहाँ वहाँ लिखा हुआ है टू अनिल एंड सुनीता हुसैन साहब. वो इट इज़ देयर, इट्स अ प्राइस पोजेशन इन माई हाउस. एंड ओके. वो पेंटिंग मुझे माधुरी की वजह से मिली है. वाओ. तो कितना मैंने माधुरी जी का यू नो मुझे कितना पॉजिटिव फायदा किया. करेक्ट. यस करेक्ट. इसलिए मतलब अभी तक नहीं. हुसैन जी की एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ कि कैसे वो, उनको कुछ मतलब था ही नहीं, मतलब ही नहीं था लाइफ से उनको. अच्छा. बस पेंटिंग करनी है, यही मतलब था. राइट. तो मैं जब डेनवर में थी, आरएन हुआ मेरा पहला जी. तो बोले मैंने हमेशा आपको एक्टिंग करते हुए देखा है, हीरोइन की इसमें देखा है, अब मैं आपको मदर के रोल में देखना चाहूँगा. आप कैसे. अच्छा. करते हैं सब, कैसे संभालते अपना घर. अच्छा. ये वो. तो आए थे वो, डेनवर आए थे. ओके. तो आए तो एक छोटी सी बैग लेके आए. तो मैंने बोला आपका बैगेज लेना होगा. तो वो बोले नहीं नहीं मेरी बैग है ना ये है. अच्छा, शॉर्ट टाइम के लिए आ रहे हैं तो शायद एक सिर्फ एक रोलर भी लेके आए, नहीं तो हम जाते तो इतने बैग कितने सारे लेके जाते. चे चे. तो आए और बोले अच्छा ऐसा करते हैं कैनवस लाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं. मैंने बोला हुसैन जी रिलैक्स. तो बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे, आप मुझे पनिशमेंट दे रहे हैं. अगर मैं रिलैक्स करूँगा तो मतलब मेरी पनिशमेंट है, जब मैं पेंट करूँगा तो मैं रिलैक्स रहता हूँ. मैंने बोला अच्छा ठीक है. तो मैंने बोला कैनवस लाते हैं लेकिन पेंट्स भी लाने पड़ेंगे. बोले नहीं ये है ना रोल अवे बैग. अच्छा. पूरे पेंट्स थे उसमें. तो मैंने बोला लेकिन हुसैन जी
आपके कपड़े कहाँ हैं? मेरे पेंट्स, उसमें पेंट्स हैं। बोले कुछ नहीं, ये शर्ट पहना है, ये निकाला तो अंदर पजामा और सुबह फिर से शर्ट पहन ली। तो मतलब उनको दुनियादारी से कोई ये नहीं था, वो बिल्कुल ऐसे मतलब संत, फकीर संत की तरह, संत संत। और वैसे ही बिरजू महाराज जी भी हैं, इतने डाउन टू अर्थ, इतने अच्छे इंसान। तो जब कहते हैं ना लोग कि कलाकार हो गए या पता नहीं घमंड आ गया, ये आ गया, इनसे सीखना चाहिए कि कैसे यू नो अपने आर्ट को कैसे संभाल के रखते हैं। हाउ स्वीट, जैसे मैम ने कहा कि ये जो आर्टिस्ट होते हैं और जो जीनियस हो जाते हैं, फिर उनको आसपास की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे तो एक बार सिंगर है हमारे सुखविंदर सिंह, बड़े कमाल के हैं, तो रेखा भारद्वाज जी बोल रही थी, मैंने कहा आप उनको हर फिल्म में लेते हैं, तो आप कहती हाँ, कहती मैं बड़ी उनकी फ़ैन हूँ और वो पागल हैं बोलती, क्योंकि जब वो एक गाना गाते हैं दूसरी बार गवाओ अलग ही गा देते हैं। तो कहती है जो अगर वो पागल नहीं होते शायद इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं होते। सो आई थिंक जो भी जीनियस होता है वो अपनी दुनिया में रहता है, लेकिन अपनी ही दुनिया में रहने के बावजूद भी जो किसी और को नोटिस करे, इतना प्यार करे, वो फिर कितना बड़ा जीनियस होगा। सो मैम, और सिर्फ हुसैन साहब ही नहीं, सारी दुनिया आपसे प्यार करती है। मैं सॉरी आपको बैठने के लिए बोलना ही भूल गया, प्लीज सर विराजमान हो जाइए, आइए मैम, आइए सर। लगा बैठू सर? उस दिन मैं यहाँ बैठा था, मैं चाहे आज भी बोलना मुझे वहां बैठने, यहाँ बैठू। मुझे पता है आपने सुननी नहीं, आपने बैठने के लिए बैठी सर। जो अपने चहेते स्टार्स के जो चाहने वाले उनको हमेशा एक मौका देते हैं। मैंने जैसे पहले कहा माधुरी मैम आपको देख के ना बड़ी सारी मोहिनी बन के घूम रही थी बड़ी देर से, तो आज जिनको लगता है कि वो माधुरी जी का डांस जो है वो बड़ा अच्छा, उनका स्टेप्स जो मेरे पूरी नहीं बात होने दी, वाह आइए, कि जिनको लगता है कि माधुरी जी का डांस वो बड़े अच्छे से फॉलो कर सकती है, यही गाना। अरे बिल्कुल, क्या बात है, माइक ले लीजिए आप भी। आ मेरी दाढ़ी वाली माधुरी आप भी हैं, आइए 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 आइए, वाह, गोगा कपूर जी भी आपके फैन हैं, आइए। मैम एक स्टेप जो था आपका जी, तेजाब का 1-2-3, वो ना देखने में इतना अच्छा लगता है, लेकिन हम मैंने भी ट्राई किया एक दो बार घर पे, वो होता नहीं मैम, नहीं होता। तो आपने कहा कि मैं सेम टू सेम कर सकती हूँ, वेरी गुड मैम, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। आपका नाम क्या मैम? मेरा नाम उषा खन्ना है, मैं बॉम्बे से आई हूँ, अंधेरी से। मैं माधुरी की बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आई, मैं 5 बजे से जाग रही हूँ, 5 बजे से माधुरी आएगी, माधुरी आएगी, माधुरी आएगी, मैं सब बोल रही सो जा सो जा सो जा, मैं कहीं नहीं सोऊंगी। तो आप किसके साथ आई यहाँ पे? वो मेरी फ्रेंड आई थी, वो चली गई। अच्छा जी, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। आइए सर, आप माइक माइक दे दीजिए उनको। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अनूप कुमार। सबसे पहले तो आप ये बताइए इतने दुखी क्यों हैं? एक्सप्रेशन आपके ऐसे है कि मतलब कुछ जुआ हुआ हार के आए हो आप। पर्सनली मैम का फैन हूं मैं। थैंक यू। तो पर्सनली होते पर्सनली। तो मैं क्या वाह सिद्धू जी इनका फैन हूं। मतलब पर ये है कि आपको प्यार इतना करते ना कि देख के कभी कभी शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता सही ढंग से, तो आप पर्सनली उनके फैन हैं। तो 1-2-3 माधुरी जी का गाना लग रहा है, अनूप जी आइए। बहुत मतलब जो पौष्टिक आहार खाती है, कभी शराब नहीं पीती हैं, पर अगर वो पीती भी होती तो ऐसा फिर भी नहीं करती जो आपने किया है। बेटे मेरे को तुम्हारा डांस बिल्कुल नहीं पसंद आया। सर आपकी बारी, आप निराश मत करिएगा, टैटू आपने बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, ब्रेसलेट आपने पहने हुए हैं, आप चलता फिरता बैंक को कोई आपको लूट के ले गया। क्या नाम है आपका सर? सर मेरा नाम राकेश कुमार श्रीवास्तव, मैं दिल्ली से आया हूं। श्रीवास्तव साहब जी, हाँ जी, जब भी आप डांस कर रहे थे तो आपकी बेल्ट और कमीज में से आपका पेट मुझे 200 बार हेलो बोल चुका। पर एक चीज है, आ जा पिया थुचुक थुचुक, आ जा पिया थुचुक थुचुक। एक गाने में उन्होंने दो चीजें दिखाई, एक अपना डांस, एक बैले डांस। श्रीवास्तव साहब मजा आ गया आपका डांस देख के। काम क्या करते सर आप? सर छोटा सा मेरा दिल्ली में डांस बार, सिंगिंग बार है। सिंगिंग? इसका सिंगिंग और डांसिंग बार है यार। सर आपने ध्यान ही देना, सिंगिंग एंड डांसिंग बार, तो पी के आते होंगे, क्या पता चलता क्या हो रहा है। पर सर मजा आ गया कसम से। पर
अब रिक्वेस्ट ये है मैम, एक बार तो ओरिजिनल स्टेप तो होना ही चाहिए। इनको देख के मैं अपने स्टेप भी भूल गई हूं। जी प्लीज मैम, मैम प्लीज थोड़ा सा अपने फैंस के लिए। यहाँ पे मैं अपने जितने भी दर्शक बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके फेवरेट स्टार्स हैं, जो भी, जिनको भी आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, आपको अगर मौका मिले के लिए उनके लिए कुछ करने का, तो आप क्या क्या कर सकते हैं? अपने अपने विचार, अपने अपने जज्बात आगे रखिए। जी बड़ी छोटी उम्र है अभी, तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ये सब। जी प्लीज। सर मेरा नाम धीरज है, धीरज माखीजानी। कहाँ से हैं धीरज जी आप? सर उल्लासनगर से। उल्लासनगर से जी धीरज। तो सर सबको हेलो, माधुरी मैम आप बहुत सुंदर लग रहे हो आज। थैंक यू। आज क्या तुमने कल देखा? हमेशा ही लगते हैं, हमेशा ही लगते। जी सर मैं कटरीना मैम का फैन हूँ। अच्छा जी। तो जैसे कि आपने कहा कि सब लोग बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के ला सकता हूँ, तारे तोड़ के ला सकता हूँ, तो सर मैं कटरीना मैम को चांद पर लेकर जाकर उस चांद का गुरूर तोड़ के उसको बताना चाहता हूँ कि तुझसे भी सुंदर कुछ दुनिया में है। ओए होए, सुन रही हो कटरीना? वाह धीरज, आई लव योर फीलिंग्स फॉर कटरीना। थैंक यू सर। तो उल्लासनगर से यहाँ तक आप कैसे आए? गाड़ी में आए, कैसे आए? हाँ सर गाड़ी से। गाड़ी में तो चांद पे कैसे जाओगे? सर चांद पर अभी कोई ऐसा कुछ आया तो नहीं है, लेकिन इसरो में मैं एप्लीकेशन दे दूंगा, ऐसा कुछ है तो चांद के लिए। यार चलो बात तो वैसे फिक्शनली है अपने मन में, पर बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। धीरज क्या करते हो आप? सर मैं फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। हाँ पहले वो करो, चांद का गुरूर ना तोड़ो अभी अपना, ठीक है? धीरज पर आपकी फीलिंग्स बड़ी अच्छी हैं। थैंक यू सर। जी और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो जी, कैसे आप? मेरा नाम है कौशिक। जी कौशिक। मैं अनुष्का मैम का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा जी। उनको पपीज बहुत पसंद है, मैं उनके लिए सारी दुनिया के पपीज ला के दे सकता हूँ। तो स्वीट। विराट कोहली पता है ना आपको, उनके हाथ में बैट रहता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कौशिक। जी और कोई हमारे दोस्त? हाँ जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो मैम। हेलो सर, यू आर लुकिंग फैबुलस। थैंक यू। माय नेम इज मिहिर और आई एम अ बिग फैन ऑफ दीपिका मैम। अच्छा तो तेरा कंपटीशन डायरेक्ट है बेटा। सर आपने बोला कि मेरे कंपटीशन में कपिल सर भी है। हाँ तो क्या कर सकते हैं आप दीपिका के लिए? मैं बीट कर सकता हूँ। कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर दीपिका मैम आ गई सामने और हम दोनों भी सामने हैं, अच्छा, तो मैं दीपिका मैम को जो भी चीज चाहिए उनके जहन में आने से पहले उनके सामने लाके रख सकता हूँ। अच्छा अच्छा, जहन में आने से पहले ही। सिक्योरिटी इसका नंबर लो अभी। ज्यादा बोलना नहीं, मैं ये कर सकता हूँ जहन में आने। ये सब तो किताबी बातें हैं, शायरों की बुक में अच्छी लगती हैं। तो एक बात कहूं, तू जल भून के भुट्टा हो गया। थैंक यू सर। जलने बुझने की बात नहीं है, अपनी लिमिट में रहना चाहिए। शादी हो गई अभी दीपिका की? पर फैन तो इसकी भी हो गई। शादी इसकी भी हो गई? मेरी तो अभी ऐसे मतलब थोड़ी सी हुई है। थैंक यू मेरे, शुक्रिया। अब दोनों के लिए, जब आप आने वाले थे मैंने अजय सर से, रितेश भाई से, इंदु सर से बोला कि आप लोग आ रहे हैं, तो वो बोल के गए हम चाय पीने के। सच्चाई है कि वो तो चाय पीते नहीं, वो इसलिए गए, उन्होंने बोला भी, उन्होंने बोला कि अनिल सर और माधुरी मैम आ रहे हैं तो आप तो उनके साथ बातें करते रहेंगे, तो वो चाय पीने गए और हमें भी इतना मजा आया बातों बातों में, हम उनको वापस बुलाना भूल गए। तो सर एक रिक्वेस्ट है, सारी कास्ट इकट्ठी तो होनी चाहिए, तो आपसे प्रॉमिस चाहते हैं कि आप कल भी इधर ही बने रहेंगे। सर हाँ डन डन। हाँ जा रहे हैं लेकिन। अरे हाँ यार ये तो भूल ही गया, अगर कल आएंगे तो फिर तो कपड़े तो सर क्या करें। आपको क्या लगता है, आपने बोला तो हमने आपके कपड़े देखे, तो चेहरे से ध्यान नहीं हटता आप दोनों के। सर सर लव यू मैम, लव यू। तो जनता के सामने मिस्टर अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित जी ये प्रॉमिस कर रहे हैं कल भी इधर ही बने रहेंगे। तो आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कपिल शर्मा शो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।